हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। मैं आपका दोस्त एमजी आपके लिए लेके आया हूँ एक मजेदार वीडियो। तो आप सभी को तो पता ही लग गया होगा कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी में फाइटर प्लेन आ चुका है और लौंडे उसे चलाने के लिए भाई कूद कूद के आ रहे हैं, चाहे मर जा रहे हैं, चाहे उनको गेम रैंक किसी से कोई मतलब नहीं है, बस कैसे ना कैसे करके प्लेन चढ़ाना है या फिर मर जाना है और अगला गेम स्टार्ट करके फिर वही कोशिश करनी है। तो झूठ मैं बोलूंगा नहीं, मैंने भी 5 या 6 कोशिशें की हैं, तब मेरे को एक प्लेन मिला जिसपे जनता नहीं आई और मैं शांति से उसे चला पाया और मैं देख पाया कि क्या क्या इसके कंट्रोल थे और क्या क्या नहीं और क्या मिलने वाला है हमें इस प्लेन में। तो बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कोडा शॉप के कुछ अमेजिंग ऑफर। तो अगर आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से कोडा शॉप पे जाते हैं और आप पेमेंट करते हैं पेटीएम वॉलेट से, तो आपको मिलेगा अश्योर्ड 5% का डिस्काउंट। और इसका भाई जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। शॉप से खरीदना इज लाइक मक्खन, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको तुम क्लिक करोगे तो तुम इस वेबसाइट पे आ जाओगे जैसे अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है। स्क्रीन पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी को टैप कर देना है, वो दूसरे वेब ब्राउजर में ले जाएगा तुम्हें। वेब ब्राउजर में ले जाने के बाद तुमसे वो प्लेयर आईडी मांगेगा, वो प्लेयर आईडी तुम्हें तुम्हारे गेम में मिलेगी और फिर तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम्हें कितना सीपी का कराना है, जैसे मेरे को 420 का कराना है। उसके बाद तुम पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे मोबीक्विक हो, चाहे फ्री रिचार्ज हो, चाहे सिंपल हो, चाहे लेजी भी हो, जिससे तुम्हारी इच्छा करे तुम उससे पेमेंट कर दो। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी नॉर्मल ईमेल डालनी पड़ेगी, उस जीमेल डालने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाय नाउ, बस सिंपल। बाकी तुम ऐसे ही अमेजिंग ऑफर्स के लिए इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफर की तुम्हें तुरंत जानकारी मिल जाएगी। आप सभी को तो पता ही होगा कि कोडा शॉप भी भाई YouTube पे आ चुका है और वहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं, तो आप उन्हें जाके फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे फाइटर प्लेन के बारे में, और तुम नहीं यानी मेरे एफर्ट जो मैंने इस प्लेन के लिए लगाए ना भाई, तुम सोच भी नहीं सकते। यानी जनता भाई देखने ही नहीं दे रही थी कि है क्या। मैंने सोचा ठीक है फायर करते हैं, मर जाएगा, लेकिन एक फायर में सिर्फ उनका एक आर्मर टूटता है और ये भाई साहब तो क्वाडे से मार रहे थे, यानी हद है भाई जो क्वाडे से प्लेन को मारना। लेकिन ठीक है भाई, अब भाई बात ऐसी है कि ये प्लेन चलाओगे तुम तो थोड़ा सा आपका अनोइंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मेरे को कंट्रोल्स इसको इसके कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। यानी तुम चलाने को चला सकते हो, उड़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चलाते टाइम। तो अब कुछ वो है, टाइम के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे को उसकी लैंडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैं सीधा जंप कर गया इससे, और उसके चक्कर में जो एनिमी थी वो एनिमी था वो बच गया, और एनिमी भाई साहब तेज चल रहा है और हमें कूटने की सोच रहा। लेकिन हम मेरा भाई झगड़ा उगड़ा हो गया उसके साथ, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, साले को फेंक दे। तो भाई जो ये एनिमी भाई थे वो कुछ ज्यादा ही दुखी थे, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने तो इसकी सिर्फ 5-10 बार कोशिश की है कि ये भाई साहब सुबह से लगे हुए हैं और मुश्किल से प्लेन आता था और मैंने नीचे छोड़ दी। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई हुई, हमने काफी, इसके पास तलवार थी, मेरे पास भी दिखती सी थी, हमने फर्सी चलाई, इसने तलवार चलाई, तुम्हारा भाई प्रो है। मैं सोच रहा इस पे इमोट मारूंगा, साले को चिढ़ाऊंगा, उससे पहले ही ट्विट कर गया, पूरा मजा खराब कर दिया। तो भाई फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हमें प्लेन मिलने वाला था विदाउट एनी एनिमी डिस्टर्बेंस। यानी भाई कोशिशें लगी, एफर्ट्स लगा, लेकिन ठीक है अब अपन शांति से इसको चलाएंगे नहीं, इसको सिर्फ देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो हमें मिलती है एक गन मशीन जिसमें अनलिमिटेड एमओ है और ये ओवर हीट भी नहीं होती, और हमें मिलते हैं 10 रॉकेट्स, वो लिमिटेड हैं, और जो हमें फ्लेयर टाइप मिलती है जब कोई एफएचजी यूज करता है वो 3 मिलती है। बाकी तो भाई जिसने भी चलाया होगा या फिर जो चलाने की सोच रहा है या ये कर रहा है कि भाई मैं इसी से एनिमी मार दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है इसके लिए, ठीक है भाई टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन मेरे को काउंटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई जो एम है ना इसका वो बहुत टट्टी है, इतना टट्टी है कि भाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, आपको प्लेन को उस पोजीशन में लेके जाना पड़ेगा जिससे आप एम कर पाओ। तो क्या ही कह सकते हैं, छोड़ो गाइस। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा। Airdrop has been delivered.